पश्चिम सिक्किम को गेजिंग बर्मेक निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत बर्मेक में स्थापित मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी ले आफ्नो क्याम्पसबाट कक्षा संचालन शुरू गरेको छ। कौशल शिक्षा को बढ्दो आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सिक्किम सरकारद्वारा विधानसभामा पारित ऐन मार्फत स्थापित बर्मेक को मेधावी विश्वविद्यालयले रोजगारी गर्ने वा आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्ने भन्ने बारेमा विद्यार्थीले आफ्नो रोजाइको बाटो समाउन सक्षम हुने हिसाबको कौशल शिक्षा कोर्स सुरु गरेको विश्वविद्यालय पक्षले जानकारी दिएको छ। बर्मेकको क्याम्पसमा पहिलो शैक्षिक सत्रमा लगभग 100 विद्यार्थीले भर्ना लिएका छन्, जबकि विश्वविद्यालयले अक्टोबर महिनाको अन्त्यसम्म भर्ना सत्र खुला राखेको छ। यहाँ भर्ना पाएका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय पक्षले विभिन्न सत्रमा विभाजन गरेर एक सप्ताहको ओरिएन्टेसन कोर्स गराउन थालेको र यो कोर्स पुरा गरेपछि विद्यार्थीलाई आफूले कुन विषय पढ्ने त्यो रोजाइमा सजिलो बन्ने मेधावी स्किल विश्वविद्यालयको भनाइ छ। पहिलो ब्याचका विद्यार्थीलाई शिक्षा शुल्कमा 50% छुटका साथ विश्वविद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु गरेको छ। मेधावी स्किल युनिभर्सिटी सिक्किम में अभी हमारा दो कैंपस है, सिंगटम एंड बर्मेक। बर्मेक में हम जहां अभी खड़े हैं वहां पे हमारा अभी ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स हैं इन 4 डिफरेंट प्रोग्राम्स। BCA इन क्लाउड कंप्यूटिंग साइबर सिक्योरिटी, BA ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्नोलॉजी, BCOM प्रोफेशनल अकाउंटिंग, एंड वी हैव ऑल्सो BHM BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट। सो ब्रॉडली हम लोग एक स्किल यूनिवर्सिटी है। आपका यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि आप हम यूनिवर्स से कैसे हमारे बच्चों को या सोसाइटी को नियर बाय कनेक्ट करेंगे। स्किल्स का मतलब है कि आप कितना सारा हम काम सिखाएं बच्चों को। तो यहाँ पे जो है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम का इंटरप्रिटेशन ये है कि हम पहला बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इन द हायर एजुकेशन इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं इन्हें एज पर द गाइडलाइंस, न्यू गाइडलाइंस ऑफ UGC एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसमें पूरा बच्चों को पूरा फ्रीडम मिलेगा कि एक साल तक अपना चॉइस को एक्सप्लोर करने के लिए। पहले क्या हो रहा था कि BCOM पढ़ के आया वो सोच, प्लस टू कॉमर्स पढ़ के आया वो सोच रहा है मैं BCOM करूँगा, प्लस टू आर्ट्स करके आया वो सोच रहा है मैं BA करूँगा। लेकिन आज दुनिया बदल गया है, हमारा चॉइस आज तक बच्चों का चॉइस बच्चों का नहीं था, लेकिन अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे बच्चों को एक साल पहले वो सब चीज़ डिफरेंट डिफरेंट वे में वो ट्राई करेंगे खुद, एंड देन दे विल फाइंड आउट कि व्हाट इज़ गुड फॉर देम। उसके बाद वो अपना एक एरिया में मेजर लेके पढ़ सकता है, साइड बाई साइड माइनर भी लेके और एक एरिया जो अपना इंटरेस्ट है। तो दो स्पेशलाइजेशंस यहाँ पे उनको मिल सकता है जो कि काफ़ी अलग हैं। तो एक स्पेशलाइजेशन अगर उनको जॉब के लिए ग्रो करेगा और एक स्पेशलाइजेशन अपना इंटरेस्ट के लिए ग्रो कर सकते हैं, अपना अपना बिजनेस के लिए या स्टार्टअप के लिए वो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मान लीजिए BA ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पढ़ रहा है, तो वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्नोलॉजी उसका मेजर ले सकता है। मान लीजिए वो म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो ही कैन टेक ऑल्सो माइनर इन म्यूजिक टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारा जो इंडस्ट्री पार्टनर है या ट्रेनिंग पार्टनर है वहाँ जाके वो 6 महीना काम करके म्यूजिक पे वो अपना म्यूजिक के पैशन को भी फिलअप कर सकता है। सो हमारा जो यूनिवर्सिटी है, आप हमारे वेबसाइट को जाकर भी चेक कर सकते हैं, जो लोग ये इसको देख रहे हैं, ये UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। और UGC के साथ साथ हम लोग NCVT जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है फॉर स्किल यूनिवर्सिटीज, उन्होंने भी हमको नॉर्थ ईस्ट का अभी तक का पहला अवार्डिंग बॉडी स्टेटस दिया है फॉर स्पेशल काइंड ऑफ कोर्सेज। सो ऑल्सो हमारा NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, वी हैव ऑल्सो टाई अप देम। सो वी हैव मल्टीपल टाई अप्स विथ मेनी गवर्नमेंट एंड बॉडीज इन द सेंटर एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज, कॉर्पोरेट्स एंड ट्रेनिंग पार्टनर्स। सो जैसे कि इस बार बिकॉज वेस्ट सिक्किम एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बच्चे को अपॉर्चुनिटी इतना नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए, और क्योंकि हम नए हैं एज ए यूनिवर्सिटी, नया थॉट लेके आए हैं, तो इट्स ओबियस कि हर किसी को बिलीव करना ये इनिशियल डेज में कि इतना अच्छा ये सब ऑप्शन कैसे आ सकता है मेरे घर के पास। तो ये सबको ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए इस बार हम यहाँ के जो लोकेलिटी और यहाँ का फाइनेंशियल एंड इकोनॉमी को
लोगों का स्टेटस देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे इस साल मान्यवर एलएन शर्मा सर ने, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर यहाँ रहे हैं, उनके एडवाइस में हम लोग यहाँ 50% स्कॉलरशिप सब बच्चों को दे रहे हैं, जो कि जिसके लिए ये जो पहला बैच है हमारा, अभी तक अराउंड 100 एडमिशन्स हुए हैं और भी सीट्स ओपन हैं, हम लोग एडमिशन अभी ले भी रहे हैं, अक्टूबर के महीने तक हम एडमिशन क्लोज करेंगे एंड अभी हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है। सो आई होप कि ये जो 50% स्कॉलरशिप है, पहले जो गैंगटॉक जा रहे थे या बाहर जा रहे थे पढ़ाई करने के लिए अपना घर छोड़ के, और यहाँ का जो इकोनॉमी है मोस्टली एग्रारियन इकोनॉमी है, मोस्टली फार्मर्स एंड लो इनकम फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा सुविधा अपॉर्चुनिटी। एंड आई मस्ट से कि हम लोग, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पहला बार आया है, जो कि बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भी इस मतलब ये साल से इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मैं सोचूंगा कि ये यहाँ का एरिया के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सो अभी जो 100 स्टूडेंट्स हमारे पास एडमिशन लिए हैं, उनको हमारा बैच से भी अभी शुरू हो रहा है, तो उनको हम लोगों ने ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ऑनबोर्डिंग करने के लिए हम इसको एक फाउंडेशन प्रोग्राम 2 वीक्स का बना रहे हैं। 2 वीक्स, उसमें 4 सेक्शन में हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो जो पहला स्टेज था प्रारंभ, वो कल 2 दिन में बांटा गया था 50-50 स्टूडेंट्स करके, एंड अभी जो है आज से हमारा जो नेक्स्ट ये है परिक्रमा, वो शुरू हो रहा है, एंड उसके बाद प्रगति एंड उसके बाद परिकल्पना। सो ये अभी चलेगा अराउंड 2 वीक्स। आइडिया ये होता है, यूजुअली आपका यूनिवर्सिटी में ओरिएंटेशन 1 दिन का होता है, लेकिन उसमें सब कुछ पता नहीं चलता है, तो यहाँ ये 4 दिन में, ये जो 4 स्टेज में डिवाइड करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चों को पूरा आइडिया लगे कि ये एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वो क्या कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। सो जैसे कि इनिशियल हमको शुरू करना था लास्ट ईयर अपना यूनिवर्सिटी अप्रूव होने के बाद फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। सो अभी हम लोग को ये बैच रेंटेड बिल्डिंग में कर रहे हैं, एंड आई होप कि विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर हमारा यहाँ पे जो कैंपस कंस्ट्रक्शन है, दैट इज़ इन प्रोग्रेस, जो डिस्कशंस है विद द लैंड ओनर्स एंड ऑल, सो वो सब चीज़ फिनिश होके हमारा कैंपस कंस्ट्रक्शन यहाँ 1 साल के अंदर शुरू हो जाएगा। मॉम, माँ या अम्मा, ये शब्द सुनने में कितना छोटा लगता है, पर एक औरत ही समझ सकती है कि उनकी जिंदगी में इस शब्द का क्या महत्व है। हर कपल एट 1 पॉइंट ऑफ टाइम पेरेंट्स बनना चाहते हैं, पर कभी कभी उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, पर जहाँ बाधाएं हैं वहाँ उनका सलूशन भी है। तो इसी सलूशन के साथ मैं डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, आपकी फर्टिलिटी कंसल्टेंट, हमेशा आपके साथ हूँ। तो लेट अस ऑल फाइट इनफर्टिलिटी टुगेदर, बिकॉज एवरी वुमन डिजर्व्स टू बी अ मदर। थैंक यू।